ओहो, ओके फाइन। अभी उस बटन को कोई क्लिक मत करना। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 6 सभी को क्लियर हो गया? यस मैम, यस सॉरी यस मैम, अद्रिता। यस मैम, इट्स टोटली क्लियर टू यस अस। मैम, इट इज टोटली क्लियर टू मी। हाँ अद्रिता, सॉल्यूशन बताइए मुझे बोलकर। यस मैम। सॉल्यूशन बताइए। मैम, द सॉल्यूशन इज वेट। वी आर गोना मल्टीप्लाई 2825 विथ 31। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आया समझ में सभी को? यस मैम। चलिए, मैम मुझे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मोइन समझाएंगे सभी को। मोइन, मोइन आर यू देयर? ओके ऋषिका, योर टर्न। मैम, व्हाट्स क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 डियर, रीड एंड एक्सप्लेन। ओके मैम, अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विथ हर। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 12,000 ईच। हाउ मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेस? अच्छा, हमें इसमें क्या करना है? व्हाट मैम? अब एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन, मतलब एक मर्चेंट है जिसके पास 78,592 रुपीस है, उनको 40 रेडियो सेट्स चाहिए, जो एक रेडियो सेट है वो 1,200 का है। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज? उसके पास कितने रुपए बचेंगे अब उसके बाद? वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्व करके बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। इज माई स्क्रीन? अच्छा, अभी आने वाली है। नाउ इज इट विजिबल टू यू? नो मैम, वेट नो वेट, मैम, नॉट इट ऑल। नो मैम, अब दिख रहा होगा। अभी दिख नो रहा है? मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, मैम, नो मैम। वन सेकंड, अभी आ ही रहा नेटवर्क। कौन गा रहा था ये सुरीला सॉन्ग? मैम सॉरी। हाँ, तो अभी रिकॉर्डिंग का ध्यान किसने दिया? जिसने भी दिया थैंक यू सो मच। और आप इन चीजों पर एक बार नजर डाल लिया करें, है ना, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें शेयर कर रही होती तो मेरा ध्यान उधर नहीं जा पाता बार बार। चलिए, अरे ये विजिबल क्यों नहीं है आपको? क्या दिख, कुछ भी नहीं मैम, दिख रहा विजिबल है। है मैम, विजिबल है, विजिबल मैम, नाउ इट्स विजिबल मैम, नाउ इट्स विजिबल मैम, नाउ इट्स विजिबल। अब मैं सॉल्व करना दिखाती हूँ आपको, सब ध्यान से देखिएगा। वो क्या कहते हैं उसे, स्टेटमेंट सब लोगों को आप बहुत अच्छे से आने लग गए होंगे, है ना? यस मैम, यस मैम, सीधे सॉल्यूशन बताओ। तो इन स्टार्टिंग उनके पास इतने रुपीस थे, 78,592। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 40 रेडियोस परचेज किए और वन रेडियो की कॉस्ट 1200 थी। तो वन रेडियो की कॉस्ट कितनी है? मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ डियर, ओके, विल इट बी क्लियर टू यू? वन रेडियो लिख रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही। तो वन रेडियो की कॉस्ट है 1200, तो उन्होंने तो 40 लिए हैं, तो हमें 40 की पता चाहिए, 40 की पता करनी है। तो वी विल मल्टीप्लाई 1200 बाय स्टेटमेंट मर्चेंट, नंबर ऑफ रुपीस मर्चेंट है। हाँ, दैट ऑल वी विल डू लेटर, अभी तो मैं बस सॉल्यूशन बता रही हूँ।
ठीक है, तो मैंने क्या किया 1200 को मुझे क्या करना होगा मल्टीप्लाई फ्रॉम 40 बाय फ्रॉम 40 विद 40 है ना। तो जब मैंने 1200 को मल्टीप्लाई किया तो 12 4s are 48 and 0s will be सबको आता है कि ये शॉर्टकट है 48000 यस मैम आता है यस मैम वी नो दिस शॉर्टकट यस मैम वी नो दिस शॉर्टकट अब हमें पता तो चल गया कि उनका कितने पैसे स्पेंड होने वाले हैं। अब उन्होंने कहा है हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, और जब वो परचेज कर चुके होंगे तो कितने मनी उनके पास बचेगा। अब कितना बचेगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या ठीक है। अरे कितनी आवाज आ रही है, 48000 एक बार और पीजिए मुझे दिख नहीं रहे हैं मैम आप क्योंकि कोई और ऐप या ऑपरेट कर रही हूँ मैं तो अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो मुझे विजिबल नहीं आ रहा है मैम आप अपनी क्लास मैम आप वो ऐप पे ऐसे ही तो आपको शायद सीख रहे अच्छा मैं हूँ तो ऐप पर ही नीचे से क्लास जो मिनिमाइज है उसको ओपन कीजिए फिर आएगा सारा क्लास मैम की मिनिमाइज नहीं है मैम ने दूसरे टैब में उसको खोल के रखा है और मैम ने ये टैब उसको प्रेजेंट किया है हाँ अच्छा अब करिए देखिए नो मैम ऊपर जो तीन लाइन है उनमें से वो तीसरी लाइन है जिसमें सिंपल लाइन है उसे क्लिक के आंसर दिख गए मुझे चलिए सो आंसर्स आर 35 के नेचर आंसर विद योर आंसर ओके 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 फाइन एग्जैक्टली सभी के आंसर्स करेक्ट है वेरी गुड यानी मतलब सबको समझ में आ रहा है इतने सारे आंसर्स आए हां यस मैम मैं बच्चे पढ़ा रही हूं आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो चलो यस मैम यू आर टीचिंग गुड मुझे वो दिया जा रहा है क्या कहते हैं समझाया बताया जा रहा है परफॉर्मेंस के बारे में मैम आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यस मैम और बहुत मजे भी आते हैं मैम बहुत अच्छे से समझाते हैं थैंक यू सो मच आप सभी बहुत सिंसियर हैं अगर आप बात नहीं मानेंगे तो क्लास कंडक्ट करना मुश्किल हो जाता है चलो अब 7 क्वेश्चन सभी को क्लियर है अब क्वेश्चन 8, 9, 8 to 12 आप ट्राई करना कल डाउट्स पूछना फिर भी हम रीड कर लेते हैं ठीक है अब देखते हैं कि किसकी बारी बिल्कुल नहीं आई उनको रीड करने का इफ वी हैव सॉल्वड सो वी हैव टू सॉल्व इट अगेन व्हाट बेटा मैम इफ वी हैव ऑलरेडी सॉल्वड ऑल 12 क्वेश्चंस देन वी हैव टू सॉल्व इट अगेन नो 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 नीड सो आप लोग आप वी हैव टू सॉल्व ऑल द 7 क्वेश्चंस Yes, ma'am, I solved 2 12th question. Work, first to 12th question. Work, it's okay. उनके बारे में कह रही हूँ बहुत से लोगों ने नहीं किया है अच्छा मैं भी समझाऊंगी जिन्होंने कर चुका है वो लोग प्लीज एक काम करिएगा कि अपने जो पुराने ट्राई दीज वाले है ना ट्राई दीज एग्जाम्पल्स में है ना वो करिएगा है ना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप ट्राई दीज करिएगा ट्राई दीज और अपने अपने एग्जांपल बनाने वाले कुछ चीजें रजिस्टर और क्लास वर्क नोटबुक व्हाट बेटा इन अ रजिस्टर और क्लास नोटबुक क्लियर कर देती हूँ एक बार और क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को एक्सरसाइजेस जो हमारी बुक की एक्सरसाइज है ना बस वही अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करना है और उसके अलावा सब कुछ अपनी रफ में करना है वो हमारी प्रैक्टिस बुक है क्लियर और yes, किसी को भी इसमें डाउट रहे तो बाद में अगर अच्छा ऑप्शन होगा बता दीजिएगा ओके okay.
मैम ओके मैम अनुज बोलिए मैं 1.2 के क्वेश्चन ये होमवर्क है हाँ सारे होमवर्क है आपको नहीं आए आप उसे बिल्कुल पूछ सकते हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन कल दोबारा बता दूंगी ठीक है मैम कोई डाउट होगा तो पूछेंगे हाँ ऑब्वियसली पूछ सकते हो आप लोग चलो अब एवरीवन कल हम नया हाँ बेटा मैम मैं कंप्लीट द 1.2 हाँ डियर आई हैव सीन व्हाट यू सेंट मैंने देखा कंप्लीट है तो मैंने कहा जिन जिन ने कंप्लीट कर चुका है वो ट्राई भी इसको करेंगे बहुत सी चीजें हैं ना आप 1.2 तक ऐसी अलग अलग चीजें हैं जो आपने नहीं की होंगी आप उनको एक्सप्लोर करिएगा ठीक है चलो अब एवरीवन अनम्यूट देमसेल्फ और गेट रेडी फॉर शांति पाठ अनम्यूट करो सबको Sairam, ma'am, have a nice day. Sairam, ma'am, bye, ma'am.